ही भारत की ताकत पहचान है। जी निश्चित तौर पर विनोद जी, एक बात और जो सामने निकल कर आती है कि प्रधानमंत्री का कनेक्ट यूं ही नहीं बनता, दरअसल वो लोगों की नब्ज भी समझते हैं, जानते हैं, चूंकि जनता के बीच में रहे हैं, जनता के बीच में रहते हैं, इसलिए उनको ये चीजें समझ में आती है और यही वजह है कि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों को वो उठाते रहे हैं, उनको महत्व देते हैं। जैसे अभी जब सांस्कृतिक आध्यात्मिक उन्नयन की बात हो रही थी तो एक बात और सामने आई है कि इतिहास में जो हमारे गुमनाम नायक रहे हैं उनको उठाने की बात प्रधानमंत्री करते हैं, युवाओं का आह्वान करते हैं, स्वच्छता की बात करते हैं, बेटियों को बचाने उनको पढ़ाने की बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो समाज से जुड़े हुए जो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो शायद कभी राजनीति का विषय नहीं होते थे, आज उनको भी प्रधानमंत्री ने एक विमर्श दिया है, उसको भी विमर्श का विषय बनाया है। क्या कहेंगे आप? निखिल जी, मैं पहले तो आपको धन्यवाद करूंगा कि आपने मुझे एक लाइन दिया है, और वो लाइन है कि जो प्राइम मिनिस्टर जो विमर्श करके और लोगों की भागीदारी करके जो इन सारे चीजों को आपने गिनाया है उसमें स्वच्छता भी एक चीज है जी। स्वच्छ भारत आंदोलन को, स्वच्छ भारत अभियान को जो लोग जिस तरह से उसको नैरेटिव बनाए, लेकिन आप ये देखिए कि दुनिया के इतिहास में स्वच्छ भारत आंदोलन, स्वच्छ भारत अभियान जो है वो बिहेवियर चेंज का सबसे बड़ा मूवमेंट माना जाता है। सबसे बड़ा मूवमेंट इसलिए माना जाता है निखिल, कि ये गौर करने की चीज है कि जहां यूनाइटेड नेशन ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो उनका लक्ष्य था 2035 का, कि पूरे दुनिया को ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना है, यानी खुले में शौच से मुक्त करना है, नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के उस गोल को 2019 में 5 साल में पूरा किया है। ये नरेंद्र मोदी से ज्यादा वो लोगों की भागीदारी है जो नरेंद्र मोदी के इस अभियान में शामिल हुए हैं। तो मतलब इसका कहने का है कि इस देश में जो सामाजिक भागीदारी का आप आंदोलन देख रहे हैं, स्वच्छता जो है, स्वच्छता सत्याग्रह महात्मा गांधी के 1919 का सत्याग्रह 2019 में जब आपने देखा कि उसको स्वच्छाग्रह बन के लोगों के सामने में है, तो 100 साल के बाद इस देश की उस ताकत को नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सामने में रखा था कि यहाँ के लोग जब मिलते हैं, यहाँ जब जनभागीदारी बढ़ती है तो यहाँ देश में कुछ भी नया परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन कभी अंग्रेजों को भगा दिया था, इस परिवर्तन में देश को स्वच्छ कर दिया था, और ये स्वच्छता के जो सूत्रधार थे वो नरेंद्र मोदी थे, उस देश के भगाने वाले जो सूत्रधार थे वो महात्मा गांधी थे। तो आप कह सकते हैं कि वो उन चीजों को जिया है, उसमें देश के जो लोगों की ताकत को साथ में लेकर चलने का जो महात्मा गांधी का कभी अनुभव रहा होगा, उस अनुभव को लेकर नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान में ये बिहेवियर चेंज का मूवमेंट बनाया और आपके गांव शहर ओपन डिफिकेशन फ्री हो गया, एक खुले में शौच से मुक्त हुआ है। तो ये इन चीजों को आपको रखना होगा, ये लोगों की ताकत है और इस ताकत को नरेंद्र मोदी ने पहचाना था। जी विनोद जी, बने रहे हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, प्रधानमंत्री का ये रोड शो अहमदाबाद की सड़कों पर जारी है और प्रधानमंत्री तमाम लोगों के अभिवादन को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लोगों का हुजूम सड़क के